एक डाउट सबके मन में बहुत ज़्यादा आता है, अगर आप एक आईफोन खरीद रहे हो गेमिंग के लिए या फिर किसी और पर्पज़ के लिए भी, तो उस पर आप एयरफोन कौन से लगाओगे? बिकॉज अगर आप कोई और कंपनी का एयरफोन लगाते हो, या तो उसमें साउंड डिले होता है, या फिर उस पर आपका माइक काम नहीं करता है, या फिर अच्छे से वो फंक्शन नहीं करता है। अगर आप न्यू आईफोन परचेज कर रहे हो ना और आपको एयरफोन लेना है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। मैं आपको बेस्ट एयरफोन रिकमेंड करूंगा। हाँ, थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, बट आज की डेट में यार नॉर्मली है, सारे एयरफोन्स कॉस्टली ही मिल रहे हैं आजकल। तो अभी मैं आपको बेस्ट वाला रिकमेंड करूंगा आईफोन्स के लिए। बाकी एक बहुत बड़ा डाउट है लोगों को आईफोन 15 से रिलेटेड। जिन भी लोगों ने आईफोन 15 परचेज़ करा है, उस पे एयरफोन कौन सा लगाना है? बिकॉज अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट में आपको वो नहीं देखने को मिलेगा, उसके लिए एयरफोन टाइप सी वाला। और बाकी अगर आप अदर कंपनीज के यूज़ करते हो, तो क्या वो आपके आईफोन में काम करेगा, तो वो चीज़ इस वीडियो में आपको पता लग जाएगी। तो अब सबसे पहले बात करते हैं जो भी पुराने आईफोन से 15 से पहले, बिकॉज लाइटनिंग कनेक्टर आपको बताया गया आता होगा उसमें। तो अब मैं सीधे आपको डायरेक्टली बताता हूँ, अगर आप किसी और कंपनी का एयरफोन यूज़ करोगे ना एप्पल के अलावा, तो आपको 100% उस पर दिक्कतें आएंगी। या तो आपका माइक काम नहीं करेगा, या फिर उस पर आपकी साउंड डिले होगी। अब जो साउंड डिले वाला सिस्टम है वो क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे एयरफोन्स ब्लूटूथ के थ्रू काम करते हैं, वो आपके फ़ोन के पोर्ट से, जो कि लाइटनिंग वाला पोर्ट होता है, वहाँ से वो सिर्फ पावर लेते हैं और ब्लूटूथ कनेक्ट करके आगे को उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं म्यूज़िक को। तो इसमें जो है साउंड डिले हो जाता है। आपको पता है अगर आप ब्लूटूथ वाला कुछ भी यूज़ करोगे तो उसमें साउंड डिले तो होना ही है। और कुछ एयरफोन्स ऐसे होते हैं जिसमें साउंड डिले नहीं होगा, बट उस पर आपका माइक भी काम नहीं करेगा। अगर आप माइक ओपन करोगे तो आपको साउंड अजीब सी आएगी, आपके फ़ोन का माइक यूज़ करने लगेगा वो, लेकिन जो उस पर इंटरनल माइक है वो काम नहीं करेगा। तो ये दो दिक्कतें आती है अगर आप एप्पल का यूज़ नहीं करते हो। और अगर आप एप्पल का यूज़ करते हो, जो कि 2000 रुपये का आता है, अभी मैं आपको वो दिखा भी दूंगा क्योंकि मैंने भी वही परचेज़ करा है और आपको भी मैं वही रिकमेंड करने वाला हूँ। एप्पल वाले एयरफोन्स में क्या दिक्कत है वो भी बताऊंगा। तो पूरी वीडियो मतलब देख के ही जाना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा एयरफोन्स के बारे में। 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ मैं और 3 बार मैं चेंज कर चुका हूँ वो एयरफोन्स। बाकी मैं आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ, क्योंकि पहले आप ये देख लोगे किस तरीके का एयरफोन है जिसने भी एप्पल के यूज़ नहीं करे। मैं अपने आईफोन 15 के लिए इसको परचेज़ करके लाया, और बाकी मेरे पास एक और पुराना जो कि अपने आईफोन 11 में मैं यूज़ करता था लाइटनिंग वाला, वो भी है, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो अपने आईफोन 15 के लिए मैं इसको एप्पल स्टोर से ही खरीद के लाया, बिकॉज अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे ये मिल नहीं रहा था और एप्पल की वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार वहाँ से आने में। तो मैंने सोचा यार एप्पल स्टोर से ही इसको ले आते हैं। तो कुछ भी नहीं है, 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे और ऐसा आपको बॉक्स मिलेगा एक, एंड यहाँ पे आपको कुछ किताबें मिलेंगी इसके साथ, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ोगे, क्योंकि एयरफोन यूज़ करना यार किसको नहीं आता। तो चलो यार इसको ओपन करते हैं। वैसे ये 4th बॉक्स है जो कि मैं ओपन कर रहा हूँ, आगे बताता हूँ 4th कैसे है। ये वाला एयरफोन तो टाइप सी है, बिकॉज मेरे आईफोन 15 में टाइप सी वाला कनेक्टर है, तो इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया। वरना मेरे पास एक और एयरफोन है जो कि मैं आपको आगे दिखाता हूँ, वो भी न्यू ही है, वो भी मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 3 मंथ्स हुए उसको लिए हुए। और ये जो टाइप सी वाला ना, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बिकॉज ये काफ़ी जगह काम आ जाएगा। अगर आपके पास कोई एंड्रॉयड भी है टाइप सी, उस पर लगता है तो उस पर भी ये चल जाता है। मैंने इसको ट्राई करा अपने Redmi Note 7 के साथ, तो उस पर भी ये काम कर रहा है। और लैपटॉप में भी लग जाएगा, अगर आपके लैपटॉप में टाइप सी वाला कनेक्टर है तो उस पर भी ये एयरफोन काम कर रहा है, और आपके आईफोन 15 में तो करेगा ही। और ये वाला जो एयरफोन है, ये पुराना वाला है जो कि मैं आईफोन 11 में यूज़ करता हूँ, इस पर आपको दिख रहा होगा कि लाइटनिंग कनेक्टर है, और दोनों ही एयरफोन की क्वालिटी सेम है, सिर्फ और सिर्फ जैक चेंज हो चुका है। ये मेरा आईफोन 11 है जो कि इस पर यह सीधे सीधे लग जाता था, और सच में यार ये बहुत अच्छे एयरफोन्स है बाकियों से कंपेयर करूँ तो। सिर्फ एक ही चीज़ बुरी है जिसकी वजह से मेरे को इसको बार बार बदलना पड़ता है, ये मेरा टाइप सी वाला है जो कि आप देख सकते हो 11 में तो लगेगा नहीं, तो इसलिए मैंने अपने आईफोन 15 के लिए इसको परचेज़ किया है। तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो ये रहा 15 और इस पे मैंने एयरफोन लगा दिया है, और अब कुछ म्यूज़िक बजा के देखते हैं। तो लाउडनेस आप देख ही सकते हो यार, मतलब बाहर भी आवाज़ आ रही है, तो लाउडनेस में तो कोई कमी नहीं है। इवन मेरे को इसकी लाउडनेस को कम करना पड़ता है जब मैं गेम खेलता हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा साउंड आ जाती है। तो अब ये जो एयरफोन है ना, मैं आपको यही वाले रिकमेंड करूँगा आईफोन्स के साथ। अगर आप बाहर से लेते हो कोई भी 400-500 रुपये का, तो वो वेस्ट है यार, आपके 500 रुपये वेस्ट होंगे, फिर आप और खरीदोगे 500 का, फिर और होंगे, तो मतलब लगभग आपके 2000 से ज़्यादा वेस्ट होने ही वाले हैं। तो एक बार परचेज़ करो, एप्पल का ही ले लो, और सब कुछ काम करेगा इसके अंदर, तो आप समझ ही सकते हो मतलब ये एक अच्छी डील है। बाकी दिक्कत ये होती है इसमें, मैंने इतनी बार चेंज क्यों करा, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, इसकी जो वायर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। अगर गलती से कहीं पे ये अटक गया और आपने खींच दिया ना, तो भाई टूट जाएगा ये। मेरे एक कैट थी, उसने भाई इसको काट दिया था। तो मेरे हिसाब से यार ब्रेडेड तो होना ही चाहिए था, 2000 रुपये में ब्रेडेड एयरफोन्स मिल जाते हैं, बट ये नहीं है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी साउंड्स की है वो बहुत अच्छी है,
गेमिंग के लिए बेस्ट है। मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं बंदे, भाई ईयरफोन कौन सा यूज़ करते हो, ईयरफोन कौन सा यूज़ करते हो, तो मैं यही ईयरफोन यूज़ करता हूँ। मेरे को बंदों की साउंड बहुत ज़्यादा क्लियर इसमें आप मिल जाती है। और मेरे न्यू आईफोन के लिए भी मैंने सेम ईयरफोन इसलिए लिया बिकॉज मेरे को इस चीज़ की आदत है। और बाकी आपके मन में एक डाउट होगा, जो भी 15 जिसने भी लिया है मेरे सब्सक्राइबर्स या फिर किसी ने भी 15 लिया है, तो आपके मन में एक डाउट होगा कि आप एयरफोन एप्पल का ही यूज़ करो या फिर बाहर से, बिकॉज अब टाइप सी आ चुका है, अब आपको फ्रीडम मिल चुकी है। तो हाँ यार, अब आप कोई भी एयरफोन यूज़ कर सकते हो, मतलब कोई भी मार्केट में अवेलेबल टाइप सी वाला एयरफोन है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ़ोन में ईजिली वो काम करेगा, ब्लूटूथ की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपका जो एयरफोन बाकी फ़ोन्स में काम करते हैं वैसे ही करेगा। तो 15 से यार यही अच्छी चीज़ें हैं कि आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। बट मैंने एप्पल का ही परचेज़ किया क्योंकि मेरे को इसी चीज़ की आदत है, तो यार सही है। तो बस यार फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो मिलते हैं यार अगली वीडियो में, बाय।